बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मदीनाए मुनव्वरा में कितने अरसे तक रहे? सही जवाब है 10 साल रहे। कुरान मजीद की वो कौन सी सूरह मुबारका है जो गार में नाजिल हुई? सही जवाब है सूरह अल मुरसलात जो शब अरफा में गारे मीना में नाजिल हुई। कुरान मजीद की कौन सी आयात मुबारका हैं जो किसी गार में नाजिल हुई? सही जवाब है सूरह अलक की इब्तदाई 5 आयात जो कि गारे हीरा में नाजिल हुई। सूरह इनआम के नजूल के वक्त कितने फरिश्ते नाजिल हुए? सही जवाब है 70,000 फरिश्ते। हजरत यूनस अलैहिस्सलाम ने शिकमे मछली से बाहर आने के बाद सबसे पहले क्या तनावल फरमाया? सही जवाब है कद्दू शरीफ। मुअज्जने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम किन का लकब है? सही जवाब है हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हो का। कुरान मजीद की वो कितनी आयात हैं जो ना मक्का में नाजिल हुई ना मदीना में? सही जवाब है 5 आयात। औलाद आदम अलैहिस्सलाम में सबसे पहले नबी कौन है? सही जवाब है हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम। क्या आपको मालूम है कि सबसे पहले साहिब शरीयत पैगंबर कौन से हैं? सही जवाब है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। वो कौन से नबी हैं जिनकी शक्ल हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से मिलती है? सही जवाब है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम।